हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। ना आपको बताइए, वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट चल रहा है, ग्रैंड फाइनल चल रहा है और कल डे टू था, आज डे थ्री होने वाला है जो कि लास्ट डे। बाकी आप पॉइंट टेबल देख सकते हो डे टू के एंड का, एंड आज लास्ट डे होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या टीम सोल कम बैक कर पाएगी, क्योंकि अभी तक टीम सोल ने एक भी चिकन नहीं लिया है। एंड पॉइंट टेबल पर आप देख सकते हो अभी #13 पर चल रही है विद 57 पॉइंट के साथ, एंड टॉप पर अभी CG है। तो आपको क्या लगता है कि आज टीम सोल का कम बैक होगा 2 या 3 चिकन के साथ? और बाकी आपको ये वीडियो में टीम सोल का जो डे वन और डे टू के ग्रैंड फाइनल के कुछ अच्छे फाइट है वो आपको देखने को मिलेंगे, ड्रॉ फाइट देखने को मिलेगा, एंड बहुत अच्छे अच्छे फाइट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हम सीधा मैच की तरफ। बाकी आपको क्या लगता है आज कौन जीतेगा ये टूर्नामेंट? मिल सकता है कार्निवल गेमिंग को, देखिए दे आर नॉट पुटिंग देयर एग्स इन वन बास्केट। चारों प्लेयर अलग अलग एरिया पर शूट करते हो, बट आईक्यू सोल वर्सेस टीम ओमेगा शुरुआती दौर की फाइट। और रॉनी को देखिए, उन्होंने अंक बटोर लिए, एक कंफर्मेशन ले लिया गया और शायद थोड़ी सी देर में टीम ओमेगा को इस मैच से विलुप्त करने की कोशिश रही। हालांकि इन सबके बीच में मान्या को डाउन किया जाएगा और देखते ही देखते टीम ओमेगा उतर गई, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए फिनिशेस की जरूरत है। दूसरी तरफ आईक्यू सोल के ऊपर शॉट्स आए और रॉनी उस तरफ नॉकआउट हो चुके हैं, तो टीम आईक्यू सोल उनके लिए दिक्कतें बढ़ता हुआ। पिछला मुकाबला भी 0 पॉइंट के साथ और इस मुकाबले में पहला जो नॉकआउट है वो आ चुका है। कैजुअलिटी अभी तक नहीं आया, शायद रिवाइवल मिल जाए। नकुल की तरफ से काले को नॉकआउट किया गया और सौम्य ने इधर काले के जो फिनिशिंग पॉइंट उसको सिक्योर करते हुए दिखे। मान्या भी डाउन हो जाएंगे, तो काफी ज्यादा क्लोज ये फाइट टीम आईक्यू सोल वर्सेस टीम टीजी के बीच में। नॉडी भी डाउन, सैयद एंड नूब रहने वाले वो आखिरी दो प्लेयर जो कि इधर संभालने के लिए पहुंचे तो हैं, लेकिन नकुल क्या वो इधर कर पाएंगे डाउन? ओह माय गॉड, नकुल के ऊपर वो ग्रेनेड गया था लेकिन सही टाइम में वो पीछे चले गए, डैमेज नहीं दिया जाएगा। नूब की तरफ से शॉट्स इधर कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं लेकिन नॉकआउट हो जाएंगे। गोली शायद खत्म हो गया था उस पॉइंट टाइम पे, बट सैयद पीछे से आए, इस 12 के का एक झटका वो देते हुए दिखे। इधर 1v1 का ये फाइट है, सौम्य वो पीछे नजर आते हुए और क्या इधर सौम्य अकेले निकाल पाएंगे? देखिए डैमेज इधर कर चुके हैं राइट हैंड साइड में पैर के पीछे, लेकिन ये पैर बहुत ज्यादा मोटा नहीं है कि वो उसके पीछे कवर ले पाए। ग्रेनेड उन्होंने फेंका, ओह माय गॉड, क्या वो खत्म कर पाएंगे? जी नहीं, सौम्य का जो पोजीशन है वो इधर चेंज हुआ है। सैयद का से लेकर 5 टीम को एंट्री करनी है और इन सबके बीच में आईक्यू सोल के प्लेयर वो डायरेक्ट एक स्लैमिंग करेंगे, बट फ्लॉक वो आखिर कर क्या रहे थे? वो व्हीकल में बैठे रहे, आईक्यू केयर्स को गवा दिया है। बट टीम रिची स्पोर्ट्स करण वो भी कुछ अच्छे नॉक निकालेंगे। टीम जेली वो अभी भी उस चेक के इलाके पे अपने आप को बचाकर छिपाकर रखते हुए, आईक्यू सोल वो कुछ अंक टीम शैडो के रूप में अपने नाम करते हुए नजर आएंगे। रिच वो करुनाडू का कुछ अच्छी कंफर्मेशन बटोरेंगे, बट OSJ के प्लेयर उन्होंने भी थर्ड पार्टी में पिक निकाले, बट आईक्यू सोल दूर दराज इलाके से 3 अच्छे अंक बटोर चुके हैं और जोन के अंदर प्रवेश करने वाली हर एक टीम के लिए परेशानी खड़ी करेंगे। बट अंत में रिच के प्लेयर फेक प्रो YT के द्वारा उन्हें डाउन किया जाएगा और JD गेमिंग वो एक और प्लेयर को डाउन करेंगे। आईक्यू सोल मात्र 2 प्लेयर के साथ, रॉनी और सौम्य उनके कंधों पे कमान, और इतना आसान नहीं रहेगा इन ओपन एरियाज में सरवाइव करना। और वही कुछ होता हुआ, जेडी गेमिंग उन्होंने अपने दूसरे नॉक को कन्वर्ट किया, सौम्य वो इन सब के बीच में, नकुल उन्हें तो रिवाइवल दे देंगे, बट ये स्लैमिन करुनाडू की तरफ से दिक्कत बढ़ा सकता है, बट यहां पर सौम्य एक प्लेयर को तो डाउन कर चुका है, बट पीछे से उन पे इतना डैमेज आया कि शायद करुनाडू के दूसरे प्लेयर करीब आने की कोशिश करें, बट जी नहीं, अभी के लिए वो उस इलाके गाड़ी घुमाया, पीछे से सौम्य भी आएंगे, बट नकुल और सौम्य ने गाड़ी ठोका एक दूसरे से जिसके चलते नकुल ने चलिए संभाल तो लिया है, एक नॉक करके वापस से गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे, बट नकुल और सोचता और इतना आसान होगा नहीं, रॉनी भी खत्म यहां पे, टीममेट बैठ और मान्या वहां पर बिल्कुल शांत रहे, बट आईक्यू वो आगे की तरफ रोटेशन में जब गए उन्होंने कुछ अंक बटोरे। क्या ये टीम ओमेगा थी जिन्होंने अपने प्लेयर्स गवाए? जी हाँ बिल्कुल, सिवर्णी के आसपास के इलाके में टीम ओमेगा अपनी लूट करना पसंद करती है और फिलहाल के लिए उन्होंने अपने 2 से लेकर 3 प्लेयर्स को गवा दिया है। वहीं पर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स थोड़े से नाखुश होंगे आज के पूरे खेल से, निंजा बॉय अकेले हैं, रावण और ओमेगा वो ऑलरेडी इस मैच से बाहर हो चुके हैं। लीजिए पंप शॉटगन, आप उनमें टीम शैडो के प्लेयर्स को ले सकते हैं, रैकनिंग को देख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए रैकनिंग जिस रिच को होल्ड कर रही है वो भी उनके लिए चिंता का सबब हो सकती है, क्योंकि पीछे से उनके ऊपर स्प्रे आ रहा है। आईक्यू सोल जिनके लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ी थी, रॉनी जो बाहर हुए थे, हालांकि नकुल, सौम्य और मान्या वो अभी भी इस गेम में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। मैं देखूंगा गेम किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं। फिलहाल के लिए मान्या को रिवाइवल देना
ये सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी। देखेंगे कैसे ये गेम जाता है आईक्यू सोल का। रॉनी वो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, वहीं पर आप देखें तो मान्या को रिवाइवल देने की कोशिश जरूर रहेगी, हालांकि इतना आसान नहीं है। और मैं माफी चाहूंगा, बीच में मैंने आईक्यू सोल वो नाम लिया, कार्निवल गेमिंग की मैं वो बात कर रहा था जहां पर वो बाहर हुए थे, और अभी के लिए आईक्यू सोल वो यहाँ पर एक फाइट में रैकनिंग के अगेंस्ट में उस डबल हाउस की फाइट में इंडल्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। बट मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है कि आने वाले समय में इस जगह पर कोई थर्ड पार्टी दूर दराज इलाके से देखने को मिले। एंड उसी के साथ देखिए, इधर इस पर्टिकुलर पोजीशन में सिर्फ दो प्लेयर बचे हैं और टीम आईक्यू सोल के ऊपर एक बार फिर से प्रेशर आ चुका है। देखिए प्रेशर पहले भी था क्योंकि इनके पास कुछ खास पॉइंट्स आए नहीं थे आज के दिन में, और इस जगह पे फर्स्ट के और ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका है। दूसरी तरफ गमला बॉय, उनका एक शॉट गया और नॉकआउट होते हुए दिखे हैं। देखिए नकुल अकेले रोजा टाइगर के साथ लड़ाई जो है उसको जारी रखे हुए हैं। पांच फिनिशेस ऑलरेडी आ चुका है नकुल के पास। नकुल एक बहुत ही शानदार फॉर्म में, ओह माय गॉड, एक और नॉकआउट निकाल चुके हैं, एक और, दो नॉकआउट्स। क्या वो इधर से ये क्लच पूरा करके जा पाएंगे, वही देखने वाली बात है। हो सकता है कि वो अपना नॉकआउट कर दे और उसी के साथ पूरे टीम को बाहर कर दे। रेकनिंग ईस्पोर्ट्स के दो प्लेयर अभी भी जिंदा, अपने आप को हील करना होगा, लेकिन वक्त नहीं है, जगह भी नहीं है। क्या वो हील कर पाएंगे? जी हाँ, वो हील कर रहे हैं, लेकिन दोनों मिलके एक साथ आ रहे थे लेकिन उसी जगह पे रुक गई है कारुनाडो ईस्पोर्ट्स के पुश के ऊपर। गाड़ी जाके डायरेक्टली स्लैम इंडिया, उसके लिए भी तत्पर तैयार टीम शैडो के ये दो धुरंधर फाइट्स पे फाइट्स लिए जा रहे हैं। आखिरी बचे खिलाड़ी बचे हैं बस कारुनाडो के शोयो, एचपी ना समान है और ऑलरेडी मुझे लगता है ये ग्रेनेड भी आएगा। उसी के साथ टीम कारुनाडो इस गेम से बाहर। दूसरी तरफ टीम आईक्यू सोल के साथ वो फाइट चल रहा था जिधर चारों के चारों आईक्यू सोल, चले इन्होंने तो ट्रॉय टमिलेंस के ऊपर रोक लगा दी है, अच्छा खासा उनके साथ फाइट लिया, उनके आई थिंक स्ट्रीक को भी इन्होंने सक्सेसफुली तोड़ दिया है। अब माइटी को भी स्पॉट कर लिया और इस बार नहीं बख्शा मान्या ने, लाजवाब स्प्रे वहां पे डाउन हो चुके हैं। बाकी खिलाड़ियों के ऊपर अगर नजर डालें, टीम 8-bit के थोड़े से क्या काफी ज्यादा दूर है अपनी टीम से, तो कहीं ना कहीं इनको आई थिंक बचाना नामुमकिन है। बट अगर निंजू है, हमें पता है बहुत ही प्रॉमिसिंग असॉल्टर है, बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्रैगर है, मैं देखना चाहूंगा कि निंजू हाई ग्राउंड एडवांटेज है नहीं है, उन्हें अपने आप को इंजेक्ट करना पड़ेगा। निंजू काफी ओपन में थे और रॉनी ने फायदा उठाने की कोशिश जरूर की थी बट साइड से शॉट पड़ गए। और जिस जगह पे टीम आईक्यू सोल है, मुझे लगता है कि सिर्फ निंजू ही नहीं, बहुत सारे टीम है जो कि उनको इधर मुश्किल में डालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसी बीच एम्बॉट को भी खत्म किया रॉनी ने, काफी अच्छे तरीके से संभाला, जो मुश्किल था वो मुश्किलों को इधर डायरेक्ट मैप के बाहर एडवांटेज है, तो शायद इधर सिर्फ आखिरी फर्स्ट एड एंड उसके बाद रॉनी का काम तमाम हो सकता है। देखिए इस समय रॉनी को बस पट्टियां मारनी पड़ेंगी और प्रार्थना भी करना पड़ेगा कि वाइल्ड फैंक्स के खिलाफ कोई और फाइट ले ले। और अब देखिए टीम हंटर्स ये थोड़े से ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं इस समय, क्योंकि जेली का वो नॉक भी मिल चुका है और इसके ऊपर वो प्रेसिंग करना चाह रहे हैं। इन्हें पता है कि दोनों ही टीम्स को सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा और इस टाइम पे वो पैनिक भी हिट कर चुका होगा। मार्कोस काफी बेबाक अंदाज से वो ग्रेनेड्स डालने की कोशिश, बट हालांकि जेली को वापस से जी रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। सोल एज एक्सपेक्टेड, जैसे हमने तारीफ करी, दिक्कत है यहाँ पे वशिष्ठा इस समय वो हंड डाउन करना चाहेंगे वशिष्ठा ईस्पोर्ट्स। देखिए किसी तरीके से फियर्स ने वापस से वो गेमिंग ने भी स्पॉट कर लिया आईक्यू सोल को। ठीक आईक्यू सोल के सामने ड्रीम टॉय ट्रमिलियंस थे, वहां पे नकुल ने ग्रेनेड्स भी डाल रहे, चिप डैमेज कर रहे और चारों तरफ आकार मच चुका है क्लब। किसी तरीके से उनको यहां पे मोर्चा संभाले रखना पड़ेगा। एक के बाद एक कार्निवल गेमिंग के प्लेयर्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वक्त का फायदा टीम आईक्यू सोल भी उठाना चाह रही है, उन्होंने स्पॉट कर ही लिया आखिर टीम जी के खिलाड़ी जोन के अंदर जा रहे थे। परफेक्ट बेट एंड स्विच स्ट्रैट, काइलू अब अकेले बचे अपनी टीम के द्वारा एंड आईक्यू सोल को पता है एग्जैक्टली काइलू कहां पे उनको फिनिश करेंगे और उसके बाद आगे सर्कल के अंदर प्रस्थान करेंगे। डेफिनेटली टीम आईक्यू सोल के प्लेयर्स और मान्या को वो मूव थिंक काबिले तारीफ कहना पड़ेगा। हमें चीज देखने को मिला था वो था इंटेंट इन टीमों का। चलिए वापसी भी हो चुकी है इस गेम के अंदर, नो रीस्टार्ट, बट इसी दौरान आईक्यू सोल के एक खिलाड़ी डाउन हो चुके हैं। टीम ट्रॉय टर्मिलियंस के आखिरी बचे उम्मीद हाइड्रो, उनके ऊपर पुश आ चुका है आईक्यू सोल का, पीछे से कवर फायर नहीं आ रहा था, वापस से यहाँ पे आईक्यू सोल भारी असुविधा में, बट हाइड्रो किसी तरीके से वो अभी भी जीवित है, स्पॉट कर रखा है उन्होंने ट्रेसकॉट को, बट एक मेजर डिसएडवांटेज में मौजूद एंड यहाँ पे अपना दम तोड़ेंगे। ब्लू जोन भी बहुत ज्यादा डैमेज दे चुके।
जी नहीं, वो समय नहीं दिया गया। स्टोन बीजीएमआई वो पीछे से कंफर्मेशन लेते हुए, बट ये टीम जो जानी जाती है थर्ड पार्टीज के लिए, उन्होंने तुरंत करुणाडु पे प्रहार तो किया, बट ये प्रहार क्या कुछ अंक दिलाएगा? जी बिल्कुल दिला, अगर रिवाइव दे देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं दे पाते तब मुश्किल होगा। बट पीछे से देखिए, ओ माय गॉड, सोमे बहुत दूर से अपना फोकस पूरा बना के रखे और पेका उनको इधर खत्म कर दिया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से शॉट्स आते हुए, लेकिन वो कनेक्ट इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि एकदम बीचों बीच में थे और वो जो पत्थर थे पहाड़ियों के वो बीच में आ रहा था। जेली दूसरी तरफ क्लोक को नॉकआउट करते हुए दिखेंगे कार्निवल गेमिंग के, तो जेली अकेले अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ रॉनी इधर होल्ड करते हुए और कवर देने की कोशिश कर रहे हैं मान्या को, क्योंकि मान्या को कवर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल के लिए स्मोक का इस्तेमाल किया जाएगा, बट कार्निवल गेमिंग ऑन द अदर हैंड वो जेली भी उधर एक साथ आए, और जेली ने क्या एक साथ चारों प्लेयर को डाउन किया? ओ माय गॉड, एक क्लच हो गया शायद दूसरी तरफ, और आईकू सोल एंड सभी के सभी कोशिश यही रहेगा, लेकिन ट्रॉय रणवीर और उसी के साथ पूरी टीम ट्रॉय के ऊपर एक के बाद एक जो ग्रेनेड आया उससे इधर काफी डैमेज हो चुके थे, जिसके बाद और नहीं बच पाएंगे। वो नकुल के तरफ से वो ग्रेनेड था और जिसके साथ ट्रॉय टमिलियंस वो इधर बाहर होते हुए दिखे, तो टॉप फोर में एंट्री हो चुका है टीम आईकू सोल, टीम टमिलास, रेकनिंग स्पोर्ट्स एंड टीम जी की। और जिस तरीके से टीम रेकनिंग स्पोर्ट्स आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद उनके पास पूरा कंट्रोल है गेम का, और शायद टीम आईकू सोल बाहर भी हो सकते हैं। देखिए आईकू सोल के साम्राज्य, लेकिन वो निकल जरूर चुके हैं, बट दूसरी तरफ टीम आईकू सोल के साथ अभी भिरंत, और ये भारी पड़ सकता है टीम ओमेगा के ऊपर। ओमेगा खुद नॉकआउट हो चुके हैं, आईकू सोल के प्लेयर्स इधर सामने फंसेंगे, नकुल की तरफ से कुछ शॉट्स लिए जाते हुए, लेकिन पूरे टीम को खत्म करते हुए दिखेंगे इधर टीम ओमेगा। स्लग थे उधर, बहुत ही शानदार उन्होंने खेला, बीस्ट वो इधर कार फूट के खत्म हो गए, लेकिन नहीं फैंस के प्लेयर्स के लिए दिक्कतें बढ़ाई थी, बट वहीं पे आईकू सोल अभी के लिए ट्रेडी गेमिंग घुटनों पे, करण अकेले हैं और शायद अपने आप को बचाकर रखना चाहेंगे, बट हो सकता है कि आईकू सोल के किसी का यहाँ पे प्रकोप देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी मोमेंटम हैवी टीम चल रही है, और क्यों लमाओ ये तो एक अलग ही मकसद पे निकले हैं, बट फॉक्स ओपी बैरली तिनके के सहारे बचे थे, काफी अच्छी कोशिश थी, बट टीम 8 बिट का पीछे से वार, बट अभी भी ये फाइट खत्म नहीं हुआ है इंजीनियर, क्योंकि यहाँ पे आईकू सोल भी पहुंच चुकी है दस्तक देने के लिए। टीम जेली भारी दबाव में, सैम हालांकि निकलेंगे जरूर, बट यहाँ पे हो क्या रहा है ये कहीं ना कहीं प्रोसेस कर पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे टीम ओशा इन्होंने भी एंट्री मार ली इस फाइट के अंदर। नकुल हालांकि आई थिंक परिचित है, उन्हें पता है एग्जैक्टली कहाँ पे मौजूद, गाड़ी के अंदर इंस्टेंटली एंटर किए, फिर मुआयना किया कि आसपास कौन कौन सी टीम मौजूद है। ऑक्टेवियस डेफिनेटली उन्हें स्पॉट किया गया, वांटेड उन्हें भी स्पॉट करा दिया गया है, बट क्या कर सकता है, बट यहां पे चीजें थोड़ी सी और संगीन हो चुकी हैं, क्योंकि जहां पे लग रहा था कि नकुल शायद ग्रेनेड का कुछ वार दिखाएंगे।